तो अभी 12:45 हो गया है दोपहर के और हम लोग निकल पड़े हैं शिपली के तरफ। हम लोग अभी जा रहे हैं हम मेरे एक फ्रेंड के घर, वहाँ पे हम लोग को लंच के लिए बुलाया गया है, तो हम लोग निकल पड़े हैं। तो अभी जा रहे हैं ड्राइव करके जा रहे हैं हम लोग। तो रास्ते में देखो आज का वेदर बहुत अच्छा है और धूप निकला है। दूसरे दिनों से आज का वेदर थोड़ा अच्छा है, दूसरे दिन बारिश होता है और आज तो बारिश नहीं है, अच्छे से धूप निकला है पूरा समर की तरह। तो हम लोग निकल गए हैं, ये एक भाभी है इनके साथ जा रहे हैं, उनके हस्बैंड ड्राइव कर रहे हैं और सामने शुभजीत बैठा है और पीछे मैं बैठी हूँ भाभी के साथ। तो हम लोग निकल गए हैं और बाहर का वेदर देखो इतना सुंदर है। अभी देखो सब पत्ते रेड येलो है अभी भी, तो ऑटम में सारे पत्ते ऐसे हो जाते हैं येलो ग्रीन से येलो हो जाते हैं और कुछ ब्राउन रेड ऐसा हो जाता है। तो अभी भी सारे पत्ते नहीं गिरे हैं, तो कुछ कुछ अभी भी पेड़ों पे है तो दिखाई दे रहा है। देखो ऐसा अच्छा लगता है देखने के लिए, ये सब इंडिया में ऐसा नहीं देखने के लिए हम लोग को मिलता है, यहाँ पर हम लोग को देखने मिल रहा है। तो ये है इंग्लिश एक नेबरहुड कंट्री, मतलब नेबरहुड ये है। तो यहाँ से हम लोग जा रहे हैं, तो यहाँ का हर रास्ता इतना सुंदर है जैसे मतलब हम लोग के इंडिया में ऐसे देखने के लिए आपको नहीं मिलेगा। हाँ हमारा इंडिया भी बहुत सुंदर है पर यहाँ का वेदर इतना अच्छा है ना, जैसे लगता है कि कुछ एक ऑर्डिनरी रास्ते से भी जाएंगे हम लोग चल के तो ऐसा लगता है कि कहाँ चले आए हैं, इतना सुंदर लगता है। और यहाँ पर पॉल्यूशन नहीं है, इतना गाड़ी चलता है पर कोई थोड़ा सा भी आपको पॉल्यूशन नहीं मिलेगा, सारा इलेक्ट्रिक कार है तो इससे पॉल्यूशन नहीं होता है। इतना सुंदर है देखो चारों तरफ ग्रीनरी, मतलब इतना अच्छा लगता है। और हमारे इंडिया में बहुत पॉल्यूशन है, मतलब बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है, तो इतना साफ वेदर हम लोग को वहाँ पे नहीं मिलता है। और यहाँ पे देखो इतना सुंदर पूरा साफ वेदर, और यहाँ पे हर किसी के घर में डॉग है, सब लोग पेट्स रखते हैं अपने घर में। इन लोग मतलब यहाँ के लोग डॉग्स को बहुत प्यार करते हैं, सबके घर में एक डॉग रहेगा ये मैंडेटरी है। तो अच्छा लगता है, मुझे डॉग्स बहुत डर लगता है पर यहाँ पे आने के बाद मुझे थोड़ा सा डर कम हो गया डॉग्स से, क्योंकि मतलब मेरे फ्लैट में भी बहुत सारे डॉग्स थे तो मैं उन लोग को देखकर इतना डरती थी ना, क्योंकि मतलब उनको फ्लैट में से बांध के रखते हैं ना, तो कोई भी इंसान को या जानवर को हम लोग जब बांध के रखते हैं तो उनका कुछ प्राइवेसी नहीं रहता, तो उन लोग को गुस्सा आ जाता है, उन लोग हमेशा मतलब शॉर्ट टेम्पर्ड रहते कि हम लोग को बांध के रखा है, हम लोग का कुछ प्राइवेसी नहीं है, हम लोग नहीं जा सकते अकेले। पर यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे कोई अपने पेट्स को बांध के नहीं रखते हैं, इन लोग सब ऐसे ही इन लोग जैसे खोल के रखते हैं कोई, बस जब इन लोग रास्ते से जाते हैं तो इन लोग इसको बांध के रखते हैं, क्योंकि अगर ये डॉग्स रास्ते में चले गए तो गाड़ी के नीचे आ जाएंगे, इसीलिए रास्ते में जब उन लोग चलते हैं तो डॉग्स को उन लोग बेल्ट से बांध के रखते हैं। अदरवाइज कोई पार्क में जाएंगे या कहीं पे भी जाते हैं तो उनके डॉग्स उनके साथ साथ चलते हैं, उन लोग का कोई बेल्ट से बांध के नहीं रखते उन लोगों को, ऐसे ही उन लोग के साथ साथ जाते, तो इतना अच्छा लगता है। और इतने डिसिप्लिन है वो, किसी के ऊपर जाके मतलब भाग के नहीं जाते किसी के ऊपर, अपने ही धुन में उन लोग उनके पेट्स जाते रहते हैं। पर इंडिया में क्या होता है कि जब इन लोग उनके जो पेट्स होते हैं उन लोग को जब बाहर में छोड़ा जाता है ना तो किसी के ऊपर हमला करने लगते हैं ऐसे, पर यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, इन लोग इतने डिसिप्लिन है, इन लोग को इतना अच्छी तरह से ट्रेन किया जाता है तो इन लोग ऐसे कभी नहीं करते। आप उनके पास जाएंगे ना उनके डॉग्स के पास तो वो इतने अच्छे से आपके पास आएगा, आप मतलब उसको प्यार करेंगे, पर इंडिया में थोड़ा डर लगता है उन लोग का, मतलब अच्छे तरह से उन लोग को ट्रेन नहीं कर पाते। और ट्रेन की बात भी नहीं है, मतलब पता नहीं मुझे ये कॉन्सेप्ट पता नहीं है, पर उन लोग इंडिया में मैंने देखा है कि कुछ जो जिसके घर में पेट्स कुत्ते ऐसे पालते हैं तो उन लोग पता हमला करने लगते हैं दूसरों के ऊपर, बाहर में ले जाने से भौंकने लगते हैं, चिल्लाते हैं, बहुत इरीटेट हो जाते हैं उन लोग, पर यहाँ पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर मतलब डॉग्स इतना अच्छी तरह से आपके साइड से भी जाएंगे ना, जैसे कि रास्ते के डॉग्स जैसे साइड से भी जाते तो आपको कुछ नहीं करते, तो यहाँ पे भी ऐसे नहीं करते इन लोग। तो हम लोग अभी जा रहे हैं, पहुँचने ही वाले हैं, ज़्यादा दूर नहीं है, हम लोग मैप देख देख के जा रहे हैं क्योंकि हम लोग कभी पहले वहाँ पे गए नहीं हैं।
और भैया भी जो गाड़ी चला रहे थे वो भी भैया कभी नहीं गए हैं यहाँ पे, तो हम लोग फर्स्ट टाइम ही जा रहे हैं। तो हम लोग मैप देख देख के जा रहे हैं। यहाँ पे क्या है कि जिस रास्ते से हम लोग जाएंगे तो नेक्स्ट रास्ते से आप यू टर्न नहीं कर सकते, जहाँ पे परमिशन दिया गया है उसी रास्ते से जाना है। इधर उधर आप दूसरे लेन में नहीं जा सकते। यहाँ पे बहुत ट्रैफिक का मतलब बहुत स्ट्रिक्टली ट्रैफिक का रूल्स है, तो ये पूरा मेंटेन करना पड़ता है, अदरवाइज का फाइन लग जाता है और दूसरे दिन घर में उन लोग लेटर भेज देते हैं कि तुम गलत रास्ते से गए हो इसलिए तुमको फाइन देना पड़ेगा। तो फर्स्ट टाइम उन लोग वार्निंग देते हैं, फिर अगर नेक्स्ट टाइम फिर से अगर यही गलती करते हैं तो उन लोग फाइन दे देते हैं, और अगर आप फाइन नहीं देंगे तो ये फाइन बढ़ते बढ़ते बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे गाड़ी चलाने के समय पूरा ट्रैफिक का ध्यान रखना पड़ता है, ट्रैफिक रूल्स का। तो हम लोग अभी पहुँचने ही वाले हैं थोड़ी देर में, तो चलो हम लोग अभी पहुंच गए हैं शिपली, और ये बीच वाली मेरी फ्रेंड है जिसके घर हम लोग अभी आए हुए हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, पहले हम लोग एक मार्केट जाएंगे, वो क्योंकि सिटी सेंटर में रहती है तो पहले हम लोग सिटी सेंटर घूमेंगे। वो आप लोग को हाई बोल रही है भाभी और वो मेरी फ्रेंड। अभी हम लोग जा रहे हैं सिटी सेंटर, तो सिटी सेंटर में ही रहती है एक्चुअली वो, तो हम लोग वहाँ पर थोड़ा मार्केट घूमेंगे, घूम घूम के फिर उसके घर में जाएंगे। तो चलो अभी तुम लोग को मार्केट दिखाते हैं। अभी हम लोग पहुंच गए हैं मार्केट, तो ये जो बस दिख रहा है ग्रीन कलर का, ये लीड्स जाता है, तो उन लोग इसी बस से लीड्स में जाते हैं। तो ये मार्केट हमारे कारगेट मार्केट की तरह ही है, जो मैं मैंने अपने वीडियो में पहले डाल चुकी हूँ, आप लोग देखे होंगे फूड फेस्टिवल का जो वीडियो है, तो उसी की तरह ये मार्केट पर छोटा है। वो कारगेट मार्केट के बाहर में जो एक छोटा सा मार्केट बैठता है जो वैसा है, पर वो थोड़ा बड़ा है वो मार्केट, ये थोड़ा छोटा है। तो आज सैटरडे है तो ज़्यादा मार्केट अभी खुला नहीं है, दोपहर हो गया है, तो आज थोड़ा ही मार्केट में थोड़ा ही शॉप्स खुले हुए हैं, तो ज़्यादा नहीं खुले हुए हैं। तो यहाँ पे हर तरह का चीज़ मिलते हैं, जैसे कपड़े, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, घर सजाने का सामान जो होम डेकोरेशन का सामान होता है, हर तरह का चीज़, बुक्स, फिर आपका बेडशीट, पिलो, हर तरह का चीज़ इन लोग यहाँ पे बेचते हैं। तो आज का वेदर बहुत अच्छा है, पूरा सनी है, पूरा समर की तरह, पर मुझे बहुत ठंडा लग रहा था क्योंकि मुझे हमेशा ही ठंडा लगता है, यहाँ पे समर में भी मुझे ठंडा लगता है।
यहाँ पे इतना हवा देता रहता है तो बहुत ठंडा लगता है। और हमारे लीड्स में आज थोड़ा गर्म है इन कम्पेरेटिवली शिपली से, शिपली में थोड़ा ठंडा ज़्यादा है क्योंकि ये शिपली थोड़ा पहाड़ के ऊपर में है, थोड़ा ऊपर जगह में है तो यहाँ पे ठंडा ज़्यादा है, और यहाँ से लीड्स में थोड़ा कम है। ठंडा सेम ही है पर मतलब यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा है, वहाँ पे कम है। तो हम लोग अभी मार्केट घूम रहे हैं, तो चलो तुम लोग को दिखाते हैं। तो हम लोग अभी मार्केट घूम लिए, अभी उसके घर जा रहे हैं, तो उसके घर हम लोग पहुँचने ही वाले हैं। तो हम लोग उसके घर पहुँच गए हैं और मैं पहुँच के उसके घर पूरा हम लोगों को दिखा रही हूँ। पूरा घर इतना अच्छे से वो डेकोरेट करके रखी है, और उसके घर में सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि उसके घर में पूरा सनलाइट आता है जो हमारे घर में बिल्कुल नहीं आता है। मेरे कोलकाता में मेरे घर में हर रूम से ही सनलाइट आता था, इतना अच्छा धूप आता था तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, पर यहाँ पे थोड़ा भी धूप नहीं आता है मेरे घर में तो बहुत ठंडा लगता है इसलिए। और धूप आना ज़रूरी है, हर घर में धूप आना ज़रूरी है तो वो आपके हेल्थ के लिए अच्छा होता है। तो इसके हर घर में ही धूप आता है, देखो इतना अच्छी तरह से सनलाइट आ रहा है तो अच्छा लग रहा है देखकर। और वो इतना सुंदर से अपने घर को सजा के रखी है, पूरा एक घर घर एक फीलिंग आ रहा था। मतलब यूके में आके मैं किसी के घर में आई हूँ और जहाँ पे मुझे एक घर वाली फीलिंग आ रही थी जो मैं दूसरे किसी के घर में मुझे नहीं लगा। तो वो इतना सुंदर से अपने घर को डेकोरेट करके रखी है और वो खुद भी बहुत अच्छे से सज धज के रहती है। और उसके लाइफ का फंडा है कि अगर वो खुद सुंदर नहीं लगेगी तो वो अपने अच्छी तरह से कुछ चीज़ को परफॉर्म नहीं कर पाती है। तो इसीलिए वो बहुत अच्छे से सज धज के रहती है और अपने हर घर को अच्छी तरह से सुंदर से सजा के रखी है। तो चलो मैं तुम लोग को उसका पूरा घर दिखा देती हूँ। ये उसका बेडरूम है और अभी हम लोग डाइनिंग की तरफ जा रहे हैं जहाँ पे उसका किचन बहुत ही बड़ा है। मतलब बहुत प्रीशियस है उसका किचन, हर तरह मतलब हर जगह में अच्छे तरह से वो सामान रख सकती है, पर मेरा किचन बहुत ही छोटा है। मुझे उसका किचन बहुत अच्छा लगा और बहुत ही बड़ा किचन है उसका। दो फ्रिज है, ये एक फ्रिज है और एक अंदर में उसके कैबिनेट के नीचे में है, जैसे हम लोग के रूम में है। आप लोगों को मैंने जैसे दिखाया था मेरे रूम के वीडियो में, तो वैसे ही उसका भी किचन में वैसा फ्रिज है और उन लोग अलग से और एक फ्रिज खरीदते हैं क्योंकि उसमें उसका मतलब सामान उतना अच्छी तरह से रख नहीं पाती है, छोटा पड़ जाता है, इसलिए उसने और एक अलग से फ्रिज लिया। और उन लोग बहुत फिगर कॉन्शियस है तो उन लोग एक्सरसाइज करते हैं, घर में ट्रेडमिल रखे हुए हैं तो उतना अच्छी तरह से घर को सजा के रखे। मुझे बहुत अच्छा लगा उसका घर का डेकोरेशन, बहुत सुंदर से वो सजाई है देखो। तो उसका ये जो सोफ़ा है वो 360 डिग्री में घूमता है, तो मैं आप लोग को घूम के दिखा रही हूँ। मुझे बहुत मज़ा लग रहा था सोफ़े में, तो मैं आराम से लेट के आराम से 360 डिग्री में मैं घूम रही हूँ और मैं आप लोग को वीडियो करके दिखा रही हूँ, तो बहुत मज़ा आया। तो अब हम लोग अभी लंच करेंगे। तो हम लोग लंच कर रहे हैं और वहाँ पर मेरे हस्बैंड लोग थोड़ा चिट चैट कर रहे हैं, तो हम लोग उसने कहा कि लड़की लोग पहले खा लेते फिर वो लड़के लोग को लंच सर्व करेगी। तो वो बनाई थी ये दही पटल, बहुत कुछ बनाई थी, तो ये है दही पटल और फिर सलाद है, और बहुत सुंदर से हम लोग को डेकोरेट करके खाने के लिए भी दी थी सजा के, जो हम लोग के बंगाली में बहुत सजा के जैसे देते हैं वैसे दी थी। और ये है इलिश पातूड़ी, और मतलब इलिश पातूड़ी हम लोग को यहाँ पे आके खाने के लिए मिल रहा है यही बहुत है। और ये है मटन,
तो मैंने उससे पूछा कि तुम्हें केला का पत्ता कहाँ से मिला, तो वो बोल रही थी कि उसके हस्बैंड लीड्स में जाके केला का पत्ता लेके आए हैं, वहाँ से ला के फिर वो बनाई हैं। तो पूरा घर वाला फीलिंग उसके घर में आ रहा था, मतलब पातूरी ये सब तो हम लोग इमेजिन ही नहीं कर पाते कि यहाँ पे हम लोग को मिलेगा, तो पूरा एकदम घर वाला फीलिंग लग रहा था। पूरा वो बंगाली खाना बनाई थी, पूरा बंगाली स्टाइल में, तो हम लोग खाने को बहुत अच्छी तरह से इंजॉय किए। फिर उसके बाद वो उसके घर के पास ही एक बांग्लादेशी दुकान है, वहाँ से वो दही लाई थी, मिष्टी दही और जलेबी लाई थी, वो भी बहुत टेस्टी था। तो फिर खाना वाना खा के हम लोग थोड़ा फ़ोटो वोटो खींचे, गप शप मारे, फिर हम लोग घूमने निकल गए। तो उसके घर के पास ही एक मतलब ऐसे कैनल जैसा जाता है, हम लोग के जैसे यहाँ पे डॉक में जैसा है वैसा ही उसके घर के पास ही एक वैसा कैनल जाता है, जो वह आयर नदी है ना, वो वहीं से हम लोग के लीड से यहाँ तक शिपली तक जाके ये लिवरपूल जाता है। तो वो हम लोग वहीं नदी के किनारे जा रहे थे वॉक पे, और यहाँ पे जनरली सब लोग वॉक पे जाते हैं, तो इन लोग यहाँ के लोग बहुत ही हेल्थ कॉन्शियस है, तो इन लोग का कोई ये नहीं है, लोग सुबह शाम कभी भी किसी भी टाइम में इन लोग वॉक में निकल जाते हैं। तो हम लोग भी इसलिए खाने के बाद थोड़ा हम लोग खाना को डाइजेस्ट करने के लिए हम लोग भी निकल गए थे वॉक में। तो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, हम लोग नदी के किनारे से जा रहे थे, बात कर रहे थे और जा रहे थे, घूम रहे थे, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तो हम लोग आते आते शाम हो गया, और अभी तो विंटर आ गया, तो इसलिए अभी 4:30 बजे अंधेरा हो जाता है, तो हम लोग को निकलते निकलते लेट हो गया, तो अभी अंधेरा हो गया है। अगर दिन को आते तो यहाँ का व्यू कुछ अलग ही होता, बहुत अच्छा लगता, तो रात को इतना अच्छी तरह से दिख नहीं रहा था। तो हम लोग सोचे कि नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तो दिन को आएंगे, और ये नदी के किनारे से हम लोग वॉक पे जाएंगे। यहाँ पर बहुत सुंदर है ये जगह, तो आप लोग को मैं दिखा रही हूँ। ये पूरा डॉक में जो मैंने वीडियो बनाई थी, मैं पहले डाल चुकी हूँ अपने वीडियो में, मतलब यूट्यूब के वीडियो में, तो वहाँ पे आप लोग को देखने मिलेगा डॉक के में जो हम लोग जा रहे थे नदी के किनारे से, उसी तरह का ये भी नदी के साइड से हम लोग जा रहे हैं, सेम वैसा ही है, पर वहाँ का व्यू कुछ अलग है, यहाँ का व्यू कुछ अलग है, तो बहुत सुंदर है देखो। और अभी रात हो चुका था, मतलब शाम हो चुका था, सूरज ढल गया था, तो इसलिए अंधेरा हो रहा था, तो अच्छी तरह से मैं आप लोग को दिखा नहीं पाई। और ये एक कुत्ता जा रहा था, इतना क्यूट था कुत्ता, और इनके जो जिसका कुत्ता था तो वो बोल रहे, उसको बुला रहे मुझे, मैं उसका वीडियो कर रही हूँ करके, तो बोल रहे कि देखो, और वो बोल रहे कि ये अभी बात नहीं सुन रहा, इधर उधर घूम रहा है, तो उन लोग दिखा रहे थे मुझे, बहुत ही क्यूट कुत्ता है। और इन लोग देखो, मैं तुमको पहले बोल चुकी हूँ तुम लोगों को कि इन लोग बेल्ट से नहीं बांधते, इन लोग ऐसे इन लोग की तरह ही जैसे हम लोग जैसे चलते हैं फ्रीली, तो इनके कुत्ते भी वैसे ही फ्रीली चलते हैं, इन लोग बेल्ट से नहीं बांधते, खाली इन लोग बेल्ट से तभी बांधते हैं जब इन लोग रास्ते में चलते हैं, क्योंकि वो कुत्ते गाड़ी के तरफ नीचे आ सकते हैं, तो इसलिए उन लोग को उस समय उन लोग बेल्ट से बांध के रखते हैं, नहीं तो ऐसे टाइम में उन लोग छोड़ के ही रखते हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, आप लोग को मैं दिखा रही हूँ, तो अभी हम लोग अभी घर की तरफ जा रहे हैं, शाम हो गया था, तो और एक फ्रेंड भी आने वाली थी, तो इसीलिए हम लोग घर की तरफ जा रहे हैं। तो हम लोग घर की तरफ आ गए, हम लोग चाय वाय पी के रेस्ट लिए, तो फिर उसके बाद हम लोग डिनर कर लिए, क्योंकि 8:30 बज चुका था,
और हम लोग को वापस भी जाना था, तो हम लोग सब डिनर कर रहे हैं और डिनर करके थोड़ा चिट चैट करके फिर हम लोग अपने घर के लिए निकल गए। तो मैं अपनी वीडियो को यहीं पे समाप्त करती हूँ। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, और जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मिलते हैं दूसरे किसी ब्लॉग में, वहाँ पे बहुत सारी बातें होगी। तब तक के लिए बाय बाय।